अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं वफा हैंडवर्क चैनल। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को मैं स्लीव्स पे बनाने जा रही हूँ अभी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सिल्क का धागा, ये सिल्क का थ्रेड, ये 3-ply सिल्क थ्रेड है। तो इसको मैं बस 2 लेयर का बना लूँगी तो ये काफ़ी हो जाएगा। इसको मैं 2 लेयर का कर लूँगी, 2 लेयर का करके फिर मैं बनाऊँगी इस डिज़ाइन को। और इसके लिए मैं लूँगी 12.06 mm की नीडल, और इसमें इस तरह की मैं ग्लास बीड्स जो होती हैं उसका यूज़ करूँगी। तो इस धागे के मैंने 2 लेयर करके बना लिए हैं। ये 5 लेयर की बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 लेयर करके बना लेंगे तो ये काफ़ी मोटा हो जाता है क्योंकि ये 3-ply का थ्रेड है। यहाँ पे देखिए 3-ply लिखा हुआ है इसमें। तो इसको हम बस 2 लेयर करके बनाएंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम बेस लाइन को बनाएंगे। इस मोती को मैं पहले धागे में डाल लेती हूँ जो धागे से हमें बनाना है। हमें इस धागे से बनाना है तो इस धागे में हमें पहले मोती को डाल लेना है। तो मैं इस तरीके से मोती को डाल लूँगी, इस तरह एक नॉट लगा देंगे, फिर इस वाले धागे से इस वाले धागे में कर लेंगे मोती को। इस तरह हमारी सारी मोतियाँ चली जाएंगी इस धागे में। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। अब इस धागे को हम निकाल देंगे इस धागे से। तो हमारी मोती इस धागे में आ गई हैं। सबसे पहले हमें बेस लाइन को बनाना है, तो बेस लाइन बनाना हम यहाँ शुरू करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच करके फिर 1, 2, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके करीब में ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेके डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ हम बेस लाइन को बनाएंगे। इस तरह से पहले हम बेस लाइन को बनाते जाएंगे। इस तरह से बेस लाइन पूरे राउंड में बन गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले गैप में हम स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। फिर 1, 2, 3 चेन लेके ऐसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम पहले वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो मोतियों के साथ बनाएंगे इस तरह। फिर 1 चेन लेंगे, फिर दूसरे गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, फिर मोती को लगाएंगे इस तरह। मोतियों को लगाते जाएंगे और इस राउंड को हम इसी तरह से पूरी करेंगे। ये मैं अबाया के स्लीव्स पे बना रही हूँ। ये मेरी स्लीव्स थोड़ी सी छोटी लग रही थी मुझे, तो मैं इस लेस को बना के डिज़ाइन को बना के बढ़ा रही हूँ स्लीव्स को। क्रोशिया वर्क इतना अच्छा होता है ना कि आपको, अगर आपकी कोई ड्रेस छोटी हो जाए तो आपको टेलर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, न इसमें ज़्यादा खर्चे होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप अपने ड्रेस को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद इसमें इतनी खूबसूरती आ जाती है, बिल्कुल से अलग ही लुक दिखता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें, कभी आपकी कोई ड्रेस छोटी हो जाए या आपकी ड्रेस की खूबसूरती बढ़ानी हो तो आप लोग इस वर्क को ज़रूर किया करें।
तो मैं इस डिज़ाइन को इसलिए बना रही हूँ कि ये हमारी स्लीव से बढ़ भी जाएगी और बहुत प्यारी दिखेगी इंशाल्लाह। देखने आप लोग बाद में देखिए बनने के बाद, आप इसके ऊपर जितनी लेंथ आपको चाहिए बढ़ाएंगे उतना आप ये लाइनें भी बना सकते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन से भी बढ़ जाएगी लेंथ इसकी। तो मैं अभी दूसरी लाइन बना रही हूँ। यहाँ वन चेन लेके हम पहले वाले इस चेन वाले गैप में बना लेंगे स्लिप स्टिच। ये सेकंड राउंड भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, पूरे स्लीव्स पे, पूरे राउंड पे बन गया। ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स है। अगर आपकी नॉर्मल स्लीव्स होगी तो आपकी फटाफट से बन जाएगी डिज़ाइन, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ये मेरी अम्ब्रेला स्लीव्स है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमें क्या करना है, 1, 2, 3 चेन लेके ऐसे पलट देना है, फिर से राइट साइड में आ जाना है। फिर से इस पहले वाले गैप में सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेके फिर दूसरे वाले गैप में डबल क्रोशिया। एक और लाइन में बना रही हूँ डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ। आप चाहें तो इसके ऊपर भी डिज़ाइन को बना सकते हैं, आपको जितनी लेंथ रखनी हो उसके हिसाब से। मैं इतना बना के आपको दिखाऊंगी लास्ट वीडियो में कि मेरी लेंथ कितनी बड़ी स्लीव्स की, कितने इंच तक बढ़ी है, वो लास्ट में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी मैं इस लाइन को बनाने के बाद फिर डिज़ाइन को बनाना शुरू करती हूँ। इस तरह से सारे राउंड्स पूरे हो गए। तो मैंने 5 राउंड्स बनाए हैं। 3 राउंड्स बनाने के बाद मुझे लगे कि स्लीव्स की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, तो मैंने टोटल 5 राउंड्स पूरे कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब स्लीव से पूरी डिज़ाइन बनने के बाद देखते हैं इसकी लंबाई कितनी बढ़ती है। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3 चैन लेके उल्टे साइड में कर देंगे, इस तरह से पलट देंगे। अब हम इस वाले स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, इस तरह से 3 बार बना के डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेके एक स्पेस को छोड़ देंगे, दूसरे वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, हमें चेन लेते हुए बनाते जाना है, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम 9 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद 1 चेन लेके एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे वाली स्पेस में डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, अब हम एक चेन बनाएंगे, चेन लेके इस गैप को छोड़ देंगे, दूसरे वाले गैप में डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 1 चेन लेके फिर एक स्पेस को छोड़ते हुए दूसरे स्पेस में डबल क्रोशिया, 3 बार बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। हम जो 3 बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं उसमें मोतियों को नहीं डाल रहे हैं, 1, 2, 3, इस तरह बना के फिर से 1 चेन लेते हुए स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया, 9 बार बनाएंगे इस साइड में भी डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपनी इस लाइन को, डिज़ाइन की पहली लाइन को इसी तरह से पूरी कर लेना है। इस तरह से डिज़ाइन की पहली लाइन कंप्लीट हो गई।
पूरे स्लीव्स पे इस तरह से बन गई। लास्ट में यहाँ पे हमें अब वन चेन लेके यहाँ पे लास्ट में 7 बार डबल क्रोशिया बनी हुई है। यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशिया है, ये लास्ट में 7 बार डबल क्रोशिया बनी है। अब हम यहाँ पे वन चेन लेते हुए इस गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया 3 टाइम। यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से बना के फिर वन चेन लेंगे। वन चेन लेके इस गैप में बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से 2 बार इस बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। 3 3 जो बन रही है डबल क्रोशिया एक एक गैप में, इस बार 2 टाइम बनेगी। फिर हम वन चेन लेके डबल क्रोशिया पे हम स्पेस में हमें नहीं बनाना है, डबल क्रोशिया हमें स्पेस में नहीं बनाना है, हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाना है डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया साथ में हमें मोतियों को लगाते जाना है। 1 2 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें बनाना है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लास्ट ये बनाएंगे डबल क्रोशिया 7। हम 7 बार बना लेंगे, पहली बार 9 बार बनाई थी डबल क्रोशिया, दूसरी बार 7 बार बनेगी डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर हम वन चेन लेते हुए इस गैप में बनाएंगे 1 2 3 फिर वन चेन लेके फिर इस वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया 3 टाइम 1 2 3 इस तरह से बना लेंगे। फिर वन चेन लेते हुए फिर से हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाना है डबल क्रोशिया, गैप में हमें नहीं बनाना है, स्पेस के अंदर नहीं बनाना है। वन टू थ्री इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। हमारी डिज़ाइन का ये पैटर्न जो है 3 टाइम जो डबल क्रोशिया बन रही है ये बढ़ता जाएगा, और ये जो है सिंगल टाइम जो डबल क्रोशिया बन रही है ये घटता जाएगा। तो ये कम होता जाएगा और ये ज़्यादा होता जाएगा। इसके ऊपर अब हम जितनी भी लाइनें बनाएंगे तो ये इसमें फंदे कम होते जाएंगे और इस पैटर्न में जो है फंदे बढ़ते जाएंगे। तो हम अपनी डिज़ाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन के सारे राउंड्स पूरे हो गए। इस तरह डिज़ाइन रेडी हो गई। इसके ऊपर अब हम बॉर्डर को बना देंगे। तो डिज़ाइन में कितने राउंड्स बने हैं मैं वो आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 5 राउंड टोटल डिज़ाइन के बने हैं। तो जैसे मैंने 2nd राउंड बनाया था उसी तरह से फॉलो करते हुए मैंने 3rd राउंड को भी और 4th और 5th राउंड को भी उसी तरह से फॉलो करते हुए बना लिया था। तो इस तरह से ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगी। डिज़ाइन का ये पैटर्न और ये पैटर्न कितने हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे देखने में ही आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। और फर्स्ट टाइम में ये 1 बार बना है, 2nd टाइम में 2 बार बना है, और 3rd टाइम में 1 2 3 3 बार बना है, और 4th टाइम में 1 2 3 4 4 बार बने हैं, और 5th टाइम में 1 2 3 4 5
पांच बार बने हैं। और ये पैटर्न जो है फर्स्ट टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ बार बने हैं, सेकेंड टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 सात बार बने हैं, दो बार फंदे कम हुए हैं सेकेंड टाइम में, और थर्ड टाइम में 1 2 3 4 5 फिर से दो बार फंदे कम हुए हैं सेकेंड थर्ड टाइम में, तो ये फाइव टाइम बने हैं। अब फोर्थ टाइम में 1 2 3 फिफ्थ टाइम और लास्ट टाइम में 1 एक बार बना है ये डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पैटर्न रेडी हो गया है। वैसे मुझे बताने में शायद ज़्यादा मुश्किल आपको लगे, समझ में ना आए, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत आसानी से ये जब बनाएंगे तो बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है डिज़ाइन। तो अभी मैं बॉर्डर को बना लेती हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन ख़त्म हुई है, यहाँ पे लास्ट हो गया है, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बना के 1 2 दो बार चैन लेंगे। अब हम इस क्रॉस गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 हम इस तरह से चार बार बना लेंगे डबल क्रोशिया क्रॉस गैप में। फिर अब हम इस वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 1 2 चैन लेके फिर से क्रॉस गैप में डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 इस तरह से चार बार बना के फिर से हम इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 दो बार चैन लेके फिर से क्रॉस गैप में डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम बॉर्डर को बनाते जाएंगे, 1 2 मैं पूरा बॉर्डर रेडी करके फिर आप लोगों को बताती हूँ कि डिज़ाइन की लेंथ कितनी बढ़ी है, कितने इंच तक बढ़ी है। ये यहाँ पे हमें चैन नहीं बनानी है, डबल क्रोशिया फिर 1 2 चैन लेके क्रॉस गैप में डबल क्रोशिया। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, रेड वाली बटन जो है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो बेल आइकन आएगी उसको प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें कि डिज़ाइन कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगे तब भी बताएं, बुरी लगे तब भी बताएं, कोई कमी हो तब भी बताएं, तो इससे हमें मालूम होता है कि कुछ कमी है तो उसको हम फिर से नेक्स्ट टाइम ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम बॉर्डर को बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हमें इस गैप को छोड़ देना है, इस गैप को छोड़ते हुए हम डायरेक्ट इस गैप में बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर से उसी तरह से क्रॉस गैप में डबल क्रोशिया में बनाना है। बस इसी तरह से हम बॉर्डर को बनाते जाएंगे। मैं पूरे बॉर्डर को रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे हमारी स्लीव्स बन के रेडी। इस तरह से स्लीव्स बन के रेडी हो गई। कितने इंच की ये डिज़ाइन बनी है वो मैं दिखा देती हूँ। दो इंच तक ये डिज़ाइन बन गई है।
तो ये लेंथ हमारी स्लीव से की 2 इंच बढ़ जाएगी इतनी डिज़ाइन बनाने के बाद। यहाँ पे हम इस तरह से, इसमें ये अम्ब्रेला स्लीव है तो यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन? अगर डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।